भाई आपको पता है, किसी भी लड़की का बॉयफ्रेंड बनने के लिए, फ्रेंड जोन होने से बचने के लिए और उसको पटाने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बॉयफ्रेंड मटेरियल क्वालिटीज। यानी ये वो क्वालिटीज होती हैं जिसका लड़की 3 से 4 दिन मिलने के बाद ही डिसाइड कर लेती है कि आप उसके फ्रेंड बनने वाले हो या बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। जो लड़कियां कहती है ना कि मैंने तुमको कभी उस नजर से नहीं देखा, तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, लेट्स बी द फ्रेंड्स, ये क्या होता है 70% केसेस में तो बहानेबाजी होती है कि लड़की आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो कि उसने डिजायर की होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होगा वैसा होगा, और आप तो कैसे भी नहीं हो। तो आपको कुछ बनना पड़ेगा यार, वो क्वालिटीज लेकर आनी पड़ेंगी जो कि लड़की चाहती है। अब वो क्या क्वालिटीज होती है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है भरोसेमंद की क्वालिटी, यानी जो रिलायबिलिटी फैक्टर होता है ना, ट्रस्ट का फैक्टर, वो आपके अंदर होना चाहिए। लड़की अगर कोई भी बात आपको कहे ना, तो उसको पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जो बातें आपको कह रही है वो आप तक ही सीमित रहने वाली है। ऐसा नहीं कि आप जाकर अपने दोस्तों में बांट रहे हो, पता है तेरे भाई ने ना बंदी से आज ये बात की, बंदी ने ये बताया, बंदी ने वो बताया, तेरा भाई कते डूड हो गया भाई, एकदम मस्त है तेरा भाई। यार अगर ऐसी आप बातें करने वाले हो ना, तो बिल्कुल गलत चीज है। लड़की भरोसा करके आपको कोई चीज बता रही है तो उसको लुटाओ मत, 4 जगह बांटो मत, ये बहुत ही गलत चीज है। अगर आप ऐसा करोगे तो लड़की आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी और अपनी बातें भी शेयर नहीं करेगी, जो कि बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हो। तो लड़की अपने घर के बारे में बताए कि यार मेरी मम्मी ये है, मेरे पापा वो है, मेरे इतने भाई बहन है, मैं ये बनना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, ये सब लड़की बातें करनी चाहिए। और उसके लिए ना आपको उसका दिल जीतना पड़ेगा, उसका मन जीतना पड़ेगा, उसका पूरे का पूरा जीतना पड़ेगा। अब इसके लिए भाई आपको ये भरोसेमंद की क्वालिटी तो अपनानी ही पड़ेगी। तो जब ये करते हो ना, 4 जगह बातें बांटते हो, तो ये काम छोड़ दो, नहीं तो भाई बॉयफ्रेंड और फ्रेंड का तो पता नहीं, लड़की कुछ और जरूर बना देगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है सीरियस एंड फनी। भाई ये नेचर ऐसा है ना जो कि ये वैरायटी वाला है, मतलब आपको दोनों चीज अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सीरियस से सीरियस हो, या ऐसा भी नहीं कि आप फनी फनी हो। अब आप एक चीज देखो कि आप बहुत अच्छा उसको हंसाते हो, लड़की कहती है कि यार तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ना एक नंबर का है, मजा आ जाता है, लेकिन यार किसी दिन ना उसके पापा ने उसको डांट दिया। अब वो आती है और बोलती है कि यार मेरे पापा ने मुझे डांट दिया यार, मेरी गलती थी, अब यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप कहते हो अरे सर छोड़ना, पता है चल डेट पे चलते हैं, आज वहां चलेंगे। यार लड़की भी कहेगी यार अखंड है यार ये तो, मतलब यार मैं कोई सीरियस बातें डिस्कस कर रही हूँ, इसको डेट की लगी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर ना दोनों क्वालिटीज नहीं है, आपके यहाँ फनी नेचर भी रखना पड़ेगा और सीरियस नेचर भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो आपको दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी। जब लड़की एकदम मजे के मूड में हो ना, तो एकदम मजे के मूड में हो जाओ, जब लड़की सीरियस हो थोड़ा सीरियस हो जाओ, फ्यूचर की बातें करो, यार बस यही चाहिए होता है, कोई तोप नहीं चलानी होती यहाँ। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, जो की है ब्रेन यानी दिमाग। अब यार यहाँ दिमाग से ना मेरा मतलब वो नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे हो या नहीं हो, नहीं हो छोड़ो उसको छोड़ो। यहाँ पर दिमाग से मेरा मतलब ये कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वहां पर अपना दिमाग लगाओ, पागलों वाली बात मत किया करो। लड़की बॉयफ्रेंड के साथ साथ ना अपना फ्यूचर हस्बैंड भी देखती है, सच बता रहा हूँ, लड़की हर एक देखती है कि ये एज अ हस्बैंड कैसा रहेगा। बॉयफ्रेंड उसके बाद हस्बैंड की बात आती है, तो हस्बैंड बनना है तो भाई दिमाग वाग तो लगाना ही पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों से लड़की समझ जाती है, आपके बात करने के तरीके से, आपके चलने के तरीके से, आपके रिएक्शन के तरीके से, आप कैसा बिहेव करते हो, क्या करते हो, क्या कहते हो, कैसा सुनते हो, लड़की हर तरीके से समझ जाएगी कि आपके अंदर दिमाग नाम की चीज है या नहीं है। तो लड़की जब भी अगली बार अपनी मम्मी के बारे में बताए ना, तो ये मत कहना यहाँ घूमने चलते हैं, वहां घूमने चलते हैं, नहीं, लड़की जिस स्टेट ऑफ माइंड में है वहां पर पहुंचो, सेम पेज पे रहो, जब ही तो बात बनेगी यार। भाई यहाँ पर एक अलग सी एडवाइस दूं, ये मेरा मानना है, आपको अपनाना है तो अपनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, कि आप ना अपना ना बिजनेस माइंड ऑन रखा करो। हर एक लड़की के साथ आप ये देखा करो कि आप यहाँ पर दिमाग लगाते रहो, लड़की ये देखती रहती है कि आप उस पर कितना खर्चा कर रहे हो, ये नहीं कि आप उस पर अंधाधुंध खर्चा किए जा रहे हो। लड़की मना नहीं करेगी, लड़की तो मजे लेगी, ठीक है तो ये भी दिला तो वो भी दिला, लेकिन लड़की देखती रहती है कि यार अखंड बालक है यार ये, तो इसको क्या मैं अपना हस्बैंड बनाऊंगी, ये पैसे कमा भी पाएगा कि नहीं, और कमाएगा तो उड़ाता ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ना अपना बिजनेस माइंड ऑन रखा करो, पैसे कैसे बचाते हैं, कमाते हैं, ये सब बातें डिस्कस करते रहा करो। लड़की को ये लगना चाहिए कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक है, और हस्बैंड तो बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है स्मार्टनेस। मतलब अगर वो किसी भी फ्रेंड को दिखाए ना कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड, तो उसके अंदर ये ना रहे कि यार वो बोलेंगे कि यही मिला तुझको यार, तुझको यही मिला, मतलब हद होगी यार, इतने बालकों में तूने इसको चुना, ये नहीं होना चाहिए। अब देखो आप गोरे चिट्टे नहीं हो, लंबे चौड़े नहीं हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये लड़की भी समझती है, उसके फ्रेंड्स भी समझते हैं, 2-4 मिनट के अट्रैक्शन के लिए यहाँ सब कुछ नहीं होता, और ये चीजें लड़कियां समझती हैं। पहले लड़कियों को लगता था कि मेरा बॉयफ्रेंड गोरा चिट्टा होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, लेकिन आजकल लड़कियां इतना धोखा खा चुकी हैं कि उनको अकल आ चुकी है। तो भाई यहाँ पर अपने ड्रेस सेंस पे वर्क करो, डीओ यूज किया करो, जो कलर कॉम्बिनेशन उसको ढंग से रखा करो, जूते साफ पहना करो। इस पे भाई बहुत ही लंबी चौड़ी वीडियो बनाता था मैं पहले, आपको देखना हो तो चैनल में जाके पीछे देख सकते हो, नहीं तो कहोगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो की है पॉपुलैरिटी। भाई हर एक बंदा पॉपुलर होना चाहता है, मैं होना चाहता हूँ, आप होने चाहते हो, जो आपकी गर्लफ्रेंड
वो भी होना चाहती है, लेकिन यहाँ पॉपुलर होता कौन है जो मेहनत करता है। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट वैलेंट है ना उसको बाहर निकालो और दुनिया को दिखाओ, क्योंकि लड़की चाहती है कि जब वो दिखाए ना कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड तो सब कहें अच्छा ये तेरा बॉयफ्रेंड, ये तो इस चीज में है ना, ये तो वो करता है ना, ये तो ये करता है ना। तो जो भी टैलेंट है कुछ दिखाओ, तो अंदर दबे के दबे रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो भाई पॉपुलर बनो, लोगों के नोटिस में रहो, सबकी नजरों में रहो, बस और क्या चाहिए भाई। पॉपुलर हो जाओगे तो लोगों के दिल में बस जाओगे, उन लोगों में आती हैं कुछ लड़कियां, उन लड़कियों में आती है आपकी गर्लफ्रेंड, होने वाली गर्लफ्रेंड। तो भाई यहाँ पर आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा पॉपुलर बनो, थोड़ा टैलेंट दिखाओ, जो भी चीजें बताई उनको अपनाते रहो, लव जेंट्स की वीडियो को लाइक करते रहो, ऐसे मुंह उठा के मत जाया करो। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत अच्छा रहेगा, सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।